सब दोस्तों को टोल मार गरो था एक नए व्लॉग में खुश आमदीद जी। पब्लिक जी निकली हुई है रोडों पे, संडे वाले दिन इनकी जो है अर्ली मॉर्निंग रन होता है जी। ग्रुप के ग्रुप निकलते हैं जगह जगह से और ये रन करते हैं। इसमें मेल फीमेल सब होते हैं जी, और काफ़ी लंबा इनका वो होता है, टारगेट होता है तकरीबन 10 माइल ये इस रन करते हैं। तो अच्छा है जी, एक दिन मखसूस होना चाहिए हफ्ते में कि लॉन्ग रन के लिए निकले। तो चलें जी, हमारे साथ पूरा दिन की मसरूफियात आपके साथ शेयर करेंगे जी, और बताएंगे कि आज प्रोग्राम काफ़ी हैं, वो देखते हैं इंशाल्लाह खैर से। जी, आज 14 अगस्त के इनका प्रोग्राम है। हम आ गए हैं, हमारे घर के बिल्कुल नज़दीक था, ओनली 2 मिनट्स ड्राइव है ग्रीन रोड पे। किसी की प्रॉपर्टी है प्राइवेट, मैं जानता हूँ इनको, ये हुआ है जी 14 अगस्त का प्रोग्राम। देखते हैं चलते हैं। पाकिस्तानी झंडा, फ्लैग्स, सी पार्किंग दिस साइड दैट साइड, पार्किंग की भी जगह बनी हुई है जी। हम देखते हैं, हम इधर खड़ी करेंगे सी दिस साइड। ये पाकिस्तानी कम्युनिटी बैठी हुई है जी, देख सारे बैठे हुए हैं। गाड़ी पार्क करते हैं, थोड़े से ही लोग आए हुए हैं जी, ज़्यादा नहीं है, बट दैट मच, बट आई थिंक इट्स सही है जितने भी आए हुए हैं। बहुत छोटा सा प्रोग्राम उन्होंने बनाए हुए हैं, हम अभी अटेंडेंस कर देते हैं। फिर अपने दोस्त कौन आए हुए हैं इधर, ये इनकी प्रॉपर्टी है, ये जगह है। अच्छा है जी, छोटी सी गैदरिंग की हुई है अपने ग्रुप वाले में से, तो मुश्किल ही कोई हो गया, ज़्यादातर फीमेल हैं। हमारा जो काम है जींस में जाने का, तो बच्चों के लिए अच्छी एक्टिविटी दे रही। लोग बैठे हुए हैं, खाना पीना भी चल रहा है, हिसाब किताब चल रहा है ना। चेक करें जी, ये रियल गाड़ी है या खिलौने वाली गाड़ी है? आई थिंक रियल गाड़ी है। आज संडे है जी, और सेटिंग फिर चेंज हो गई है। देखें जी, पूरी सेटिंग हमने चेंज कर दी है, क्योंकि आज फिर माशाल्लाह दावत है जी। हमारे दोस्त हैं चौधरी साहब, उनकी दो बच्चियों का हकीका है जी, तो उस चक्कर में यहाँ पे हमारी तरफ मेल होंगे, फीमेल उनके घर की तरफ होंगे, क्योंकि लोग ज़्यादा हैं, तो हमने कहा सेपरेट कर देते हैं मेल और फीमेल को। तो ये हमने सेटिंग की हुई है जी। अभी 6 बजे से इंशाल्लाह मेहमान आने शुरू हो जाएंगे, और हमने ऐसा डेकोर कर दिया इसको। सेटिंग देखें जी, थोड़ी बहुत चेयर हमने ऐड कर दिए इसमें, ये वाइट चेयर जो है कि अगर बंदे ज़्यादा हुए, और कुछ एक्स्ट्रा चेयर भी हमारे पास पड़ी हैं, तो सेटिंग ऐसे हो गई है जी। लेट्स सी ऑन द लाइट, हाँ उधर ये रूम भी है जी, उस रूम में भी बैठ सकते हैं काफ़ी लोग, हाँ उधर भी चेयर्स 2-3 लग सकती हैं। तो देखते हैं जब आएंगे बंदे तो पता चलेगा कि कितने लोग हैं। तूफानी बारिश हुई, चूजे भीग गए हैं भाई, चूजों को अंदर ले आया था लेकिन फिर भी भीग गए। चलो इंतजार कर लो, बहुत तूफानी बारिश है जी। उस साइड से बनाता हूँ। ओह जी, बहुत तूफानी किस्म की बारिश है जी।
देखो बारिश जो चल रही है, एकदम तूफान आया जी, बहुत ज़बरदस्त किस्म की बिजली कड़क गई है जी। अल्लाह खैर करे, एकदम जो है ना बल्ब वाली भी काम नहीं, यंग किड्स हैं जी, माशाल्लाह लोग काफ़ी आ गए हैं, बस एक फैमिली दो के इंतज़ार है, फिर इंशाल्लाह हम खाना शुरू करते हैं। खैर से खाना खुली है जी, बस लोगों ने ले लिया है माशाल्लाह। फिर भी लगे हुए हैं लोग जी। क्या चाहिए, कुछ चाहिए? नो सर, थैंक यू। मगरिब की नमाज पढ़ी जाएगी अभी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, सद्दतुल्लाहु अलैहिस्सलाम, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। कल दावत बड़ी हमारी ज़बरदस्त थी जी, अभी मैं लोज आया हूँ यहाँ से, मैंने कुछ ख़रीदने हैं, चूज़े जो हैं उनके लिए जगह बनानी है बैकयार्ड पे, तो मैंने इधर इसका वॉल्यूम जो है बिल्कुल इसके ऊपर मैं दोबारा वो कर रहा हूँ वॉइस, क्योंकि इसमें म्यूज़िक लगा हुआ है लोज में, तो फिर वो कॉपीराइट हो जाती है। तो बाकी फ़िल्म जो है पूरी लोज की जो है आप खामोशी से देखिए जी, खामोशी से सुनिए भी, और मुझे दीजिएगा इजाज़त, और फिर इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। भूलिएगा मत लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा जी, कि आस्ता आस्ता सब्सक्राइबर मेरे बढ़ रहे हैं, तो उम्मीद है कि लोगों को पसंद आएगा। और ये पूरा लोज में जो है हम घूमे हैं, तकरीबन कोई 15-20 मिनट घूमे, और आप लोगों के लिए थोड़ी सी मूवी वगैरह बना दी है यहाँ की लोज की।
خالی ڈو اٹ رائٹ امپلائیز چھٹی کر گئے ہیں تو خالی پڑا ہوا ہے بالکل. ماشاء اللہ کیا خوبصورت. اب بس موسم ان کا ختم ہو گیا جی, پلانٹس وغیرہ کا. بس ابھی سردی آئیں گی تو یہ میں نے وہ اوپن اسٹور بلڈنگ کی طرف جانا ہے, وہاں پہ میں نے ایک جال دیکھنا ہے کیونکہ وہ چوزے جو ہیں ان کو باہر نکالنے کے لیے پیچھے بیک یارڈ میں ایک پراپر جگہ بن جائے, ہر چیز سے محفوظ بھی ہو. کس کس کو یاد ہے ادھر یہاں پہ بڑا کام ہے بستی, ادھر یہ لوگ بہت یوز کرتے ہیں. ہماری طرف تو ختم ہی ہو گئے. گاؤں وغیرہ میں پہلے بنتے تھے, وہ بناتا تھا گول سب, یہاں پہ بھی انہوں نے یہ رکھی ہوئی. یہ کام خاص کر نیا گارڈن جو ہے اس کے لیے آپ کو یہ یوز کرنا پڑتا ہے یار. بٹ چک وہ پھول جو ہے کہاں ہوگا, جو ہم نے چوزے رکھے ہیں ان کا کھانا دیکھتے ہیں یار. یہ تو برڈ فوڈ ہے, ہمیں اس کے لیے کتنا مہنگا ہے جی, $14 کے یار. یہ چھوٹا سا بیگ ہے, ظلم ہے یار. یہ $10 کے ہیں لیکن یہ برڈ فوڈ ہے, چھوٹے چھوٹے بیگ ہیں. یہاں پہ کام ہلکا ہو گیا جی, پہلے فل تھا جب گرمی شروع ہو رہی تھی, پلانٹس اتنے پڑے تھے سردیوں میں, بس اب کم ہو جاتے ہیں جی. تو چلتے ہیں جی, ابھی ختم ہو گیا یہاں سے کام.
ये चीज़ मैंने ले ली है जी। इन्होंने ये भी साइड पे कर दिए जी। ये देखें बाबे को, बड़ा ख़तरनाक है जी।